दोस्तों भारत के एमका प्रोग्राम को देखकर अब अमेरिका भी इसमें एंट्री करना चाहता है, जो भारत का पहला फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा और इसे हम पूरी तरह स्वदेशी रूप से डेवलप करने वाले हैं। पर क्योंकि ये बहुत ही एडवांस एयरक्राफ्ट होने वाला है जिसमें कई ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा जिसको भारत पहली बार डेवलप करेगा, इसीलिए अगर हमें अमेरिका जैसी ताकत का साथ मिलता है तो ये हमारे लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। जिस कड़ी में अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। दरअसल दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के अनुसार अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से भारत के एमका प्रोग्राम से जुड़ते हुए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर बड़ा बयान दिया गया। अमेरिका ने कहा कि वह एडवांस टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर और कोलैबोरेशन को लेकर भारत के साथ काम करना चाहते हैं ताकि एमका प्रोग्राम में वे अपना योगदान दे सके। अमेरिका की तरफ से यह ऑफर भारत को एक ऐसे समय पर दिया गया जब पहले ही हम एमका के इंजन के लिए अमेरिका के साथ काम कर रहे हैं। भारत द्वारा बनाए जाने वाले एमका के पहले चरण के सभी एयरक्राफ्ट में अमेरिका का F414 इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी भारत को मिलेगी। ऐसे में अब अमेरिका जो भारत को अपनी सबसे एडवांस इंजन टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो चुका है, एमका में ज्यादा योगदान देना चाहता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर लॉकहीड मार्टिन के साथ कोलैबोरेट करने से अमेरिका से हमें वह कौन सी एडवांस तकनीक मिलेगी जो भारत के लिए इतनी कारगर साबित हो सकती है। दोस्तों सबसे पहले जो एडवांस टेक्नोलॉजी अमेरिका की तरफ से भारत को मिल सकती है वह है ऑटो ग्राउंड कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी AGCAS सिस्टम, जो फाइटर एयरक्राफ्ट में मौजूद काफी एडवांस और जरूरी टेक्नोलॉजी होती है। आज के समय ये टेक्नोलॉजी हर एयरक्राफ्ट में मौजूद नहीं है और हम देख सकते हैं कि कैसे भारत के पास मौजूद पुराने एयरक्राफ्ट में क्रैश की वजह से हमेशा हमारे ट्रेंड और एक्सपीरियंस पायलट की जान चली जाती है, जो हमारे लिए बहुत ही बड़ा नुकसान है। लेकिन अगर अमेरिका के साथ साझेदारी करते हुए हमें ये टेक्नोलॉजी मिल गई और हमने इस एडवांस टेक्नोलॉजी को एमका में इंटीग्रेट कर दिया तो इससे एमका एक काफी सुरक्षित एयरक्राफ्ट बन जाएगा। ऑटो ग्राउंड कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम का काम बहुत ही सिंपल है। ये किसी भी ऐसी स्थिति में एयरक्राफ्ट का कंट्रोल हमेशा हाथ में ले लेता है जब एयरक्राफ्ट के जमीन से टकराने का खतरा बढ़ जाए। इसकी वजह से पायलट पर दबाव कम पड़ता है और पायलट सुरक्षा पूर्वक एयरक्राफ्ट से बाहर निकल सकता है। इजेक्शन सीट की तरह ही ये टेक्नोलॉजी भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इसे हम अपने एमका में इंटीग्रेट करते हैं तो इससे युद्ध के दौरान न सिर्फ हमारे एयरक्राफ्ट को नुकसान से बचाया जा सकता है बल्कि पायलट की जान भी बचेगी, जो भारत के लिए हर तरह से काफी जरूरी कदम होगा। इसके अलावा जो दूसरी टेक्नोलॉजी अमेरिका की तरफ से भारत को मिल सकती है वह है एडवांस MMI मतलब मैन मशीन इंटरफेस। इसके इस्तेमाल से पायलट द्वारा एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना ज्यादा आसान और सिंपल बन जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि लॉकहीड मार्टिन एमका के कॉकपिट को डिजाइन करने में भी भारत की काफी मदद कर सकती है। लॉकहीड मार्टिन के पास दुनिया के दो सबसे एडवांस और सक्सेसफुल फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने का एक्सपीरियंस मौजूद है, जिनमें F-35 और M-22 जैसे एयरक्राफ्ट शामिल है। तो हम ये बात गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अगर लॉकहीड मार्टिन अपनी पूरी कैपेबिलिटी पर भारत की मदद करे तो एमका का कॉकपिट इतना एडवांस बन सकता है कि ये किसी भी चीनी एयरक्राफ्ट के बहुत ही ज्यादा सुपीरियर होगा। कॉकपिट के अलावा लॉकहीड मार्टिन एमका प्रोग्राम के डिजाइन और स्पेसिफिकेशन को रिफाइन करने में भी मदद कर सकती है। हालांकि क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू पूरा हो चुका है और एमका का प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए हमने जरूरी फंड को भी अप्रूव कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर टेस्टिंग के दौरान जरूरत पड़ती है तो हम कुछ इंटरनल बदलाव कर सकते हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर हमें एमका के डेवलपमेंट और टेस्टिंग फेज में लॉकहीड मार्टिन का साथ मिलता है तो इससे एमका की टाइमलाइन छोटी हो सकती है, यानी कि हो सकता है कि जो एमका एयरक्राफ्ट 2035 तक पूरी तरह से बनकर तैयार होने वाला था हम उसे 2032 या 30 तक ही मैन्युफैक्चर करने के लायक बना दे और इसका मास प्रोडक्शन शुरू हो जाए, जो भारत के लिए काफी बड़ी बात होगी क्योंकि लॉकहीड मार्टिन की मदद से हमें कई एडवांस टेक्नोलॉजी को खुद डेवलप करने की जरूरत नहीं होगी और हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा समय और पैसा दोनों ही बचा सकेंगे, जिसकी वजह से अमेरिका की पार्टनरशिप भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है और भारत को इसे एक पॉजिटिव वे में देखना चाहिए।
चाहिए। बता दें कि पहले चरण में एमका में अमेरिकी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और ऐसे हम 120 एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन करने वाले हैं। आगे जाकर एक फॉरेन पार्टनर के साथ मिलकर हम बिल्कुल नया स्वदेशी जेट इंजन डेवलप करेंगे जो 110 किलो न्यूटन की ऊर्जा पैदा करने में सक्षम होगा। इस जेट इंजन का इस्तेमाल करते हुए हम एमका में स्वदेशीकरण का प्रतिशत काफी ज्यादा बढ़ा देंगे और आगे से हमें जो भी एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करेंगे उनमें इंडिजिनस कंटेंट 95% से भी ज्यादा होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका एमका प्रोग्राम से जुड़कर सच में भारत की मदद करना चाहता है या भारत को अमेरिका पर भरोसा करने की बजाय खुद ही इन टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहिए, भले इसमें कुछ साल ज्यादा क्यों ना लग जाए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।